रक्षाबंधन पर ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा करेगी महिला आरक्षक। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जीआरपी ने से लेकर सभी जरूरी इंतजाम तो किए ही हैं, बल्कि नई महिला आरक्षकों को भीड़ भाड़ वाली यात्री ट्रेनों में तैनात करने का निर्णय भी लिया है। इसे देखते हुए एसआरपी सिमाला प्रसाद के निर्देश पर सभी महिला आरक्षकों और सिपाहियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी जीआरपी शशि धुर्वे के मुताबिक सभी ट्रेनों में महिला आरक्षकों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। क्या आप लोग हमें अभी करेंगे? अभी हमारे रेंज में जितनी भी महिला आरक्षाएं हैं सभी को हमने इकट्ठा किया है यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर। अभी जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसी के मद्देनजर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ट्रेनों में अभी महिलाओं का आना जाना ज़्यादा होगा, उसी के लिए अभी हम ट्रेन में प्लेटफॉर्म में महिलाओं को ड्यूटी लगा रहे हैं। जैसे ट्रेन गार्ड चलते हैं वैसे हम महिला ट्रेन गार्ड भी लगा रहे हैं और एक चेकिंग अधिकारी भी रहेगा जिससे महिला सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच सके। किस तरह से महिलाओं को मतलब परेशानियां आती हैं ट्रेन में, क्या है? जैसे बहुत सी महिलाएं अकेले भी ट्रेवल करती हैं, मतलब उनके परिवार में नहीं रहते तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ आती है। जैसे छोटे बच्चे भी रहते हैं, छोटे बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें जैसे दूध की आवश्यकता है या कुछ चीज़ की रहती है, तो उसके लिए भी हम हमारी महिला आरक्षकों को ट्रेनिंग दी है। उनको जो भी कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो भी उन्हें उपलब्ध कराएं और उनकी सुरक्षा, मेन उनकी सुरक्षा है कि उनकी सुरक्षित यात्रा करके अपने वो घर पहुँचे। उसके लिए हम जैसे महिलाएं पुरुषों को अपनी बात नहीं कह पाती कोई भी, इसके लिए हमने महिलाओं को लगाया हुआ ताकि वो अपनी जो भी बात है वो अच्छे से बता सकें और उनकी जो भी परेशानियाँ हो दूर हो सकें। आज रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनजर रखते हुए पुलिस स्पेशल डीजीपी साहब के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में हमारी पुलिस अधीक्षिका महोदय सिमाला प्रसाद के नेतृत्व में ये इसका आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें पेट्रोलिंग चलाई जाएगी, जो इतवारी ट्रेन, जनशताब्दी और नर्मदा एक्सप्रेस वगैरह में पेट्रोलिंग होगी और इसमें महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन वगैरह के बारे में बताया जाएगा और उनको सुरक्षा संबंधी विशेष ये अभियान एक सप्ताह का लगातार चलेगा। सर, ये देखा जाता है कि ट्रेनों में मतलब महिलाओं के किस तरह से इसको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? महिलाओं को अपराध रोकने के लिए महिला आरक्षकों को और पुलिस पेट्रोलिंग का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें अभी कई बरामदगियाँ भी हुई हैं और आगे भी इसका निरंतर प्रयास किया जाएगा।